तो कोई दिक्कत है कि सब बन गया? जो टिक लगाए थे वही बनाइएगा। कितना? 60 सीट। थोड़ा सा ना मास्क को यहाँ रखिए नीचे में, तब ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, नाक ढक के हल्का सा। 60 नंबर। लाइट वेट दिखवा लीजिएगा। साठ नंबर टिक लगवाए थे। रूप क्या है? काट के फिर से करना पड़ेगा। तो ये बोलता है ट्रेन पासेस टू मेन वॉकिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रेन एट 7% पर एन 7 मीटर पर सेकेंड एंड 12 मीटर पर सेकेंड इन 5 एंड 4 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। मतलब सवाल बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो दो आदमी को पास कर रहा है। मान लीजिए ये कोई ट्रेन है, ठीक है, ये कोई ट्रेन है और यहाँ पे दो आदमी खड़ा है एक ये आदमी और एक ये आदमी। एक ट्रेन क्या कर रहा है? दो आदमी को पास कर रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में पास कर रहा है और दोनों आदमी जो है ये चल रहा है 7 मीटर पर सेकंड से और ये चल रहा है 12 मीटर पर सेकंड से। तो ट्रेन पहले इस आदमी को पार कर रहा है फिर ट्रेन इस आदमी को पार कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आदमी कितने स्पीड चल रहा है? 7 और ये चल रहा है 12 और ये क्या हो गया? ट्रेन का स्पीड हो गया। किसका स्पीड हो गया? ट्रेन का। ठीक है, अब इसको पार कर रहा है कितने में? 5 सेकेंड में। इसको पार कर रहा है 4 सेकेंड में अपोजिट डायरेक्शन में। तो बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो आप लोगों को पता है कि जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगा तो क्या बन जाएगा? ST - SM बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन बटा टाइम। ये बन जाएगा इक्वेशन। बोलिए, ट्रेन तो वही है, ट्रेन तो वही है ना, तो ट्रेन का स्पीड तो वही रहेगा। तो ST - 7 मीटर पर सेकेंड और लेंथ ऑफ ट्रेन बटा टाइम। तो इसको पार कितने में कर रहा है? 5 सेकेंड में। और फिर ST - 12 और इसको पार कर रहा है कितने में? 4 मीटर। बोलिए, इसको पार कितने में कर रहा है? 5 सेकेंड में। इसको पार कर रहा है 4 सेकेंड में। तो यहां पे स्पीड ऑफ ट्रेन दोनों में सेम होगा क्योंकि ट्रेन तो वही है। यहां पे आदमी का स्पीड कितना होगा? 7 और यहां पे आदमी का स्पीड कितना होगा? 12। लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों में क्या होगा? सेम होगा क्योंकि लेंथ तो वही रहेगा
और टाइम कितना हो जाएगा, 5 और 4। अब आपको जो निकालना है, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, दोनों को स्पीड को सेम कर देंगे, इस 7 को इधर ला देंगे, इस 12 को इधर ला देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो लेंथ ऑफ ट्रेन मिल जाएगा। बना दें कि छोड़ देंगे? चलिए देखिए, तो लेंथ ऑफ ट्रेन बटा 5 + 7 बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन बटा 4 + 12। हाँ, इसको इधर ला दिया। ठीक है, हो गया। चलिए, और कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते, हम दो सीट दिए थे, एक बोर्ड का भी सीट दिया था, लोग बोर्ड का सीट मिला था क्या? दो सीट दिए थे, एक एक किसका सीट है, ट्रेन से इसमें ना ऐसा। आइए इधर एक बार,
नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। तो ये सब टॉपिक क्या है, ये सब टॉपिक हर एग्जाम में आता है। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक सिंपल सा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है। लेकिन इस टॉपिक का खास बात क्या है कि एक एक क्लास में आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा उसके बाद, ठीक है। इसे बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। नाव या पानी इसमें कितना करेगा वेरिएशन, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पुल पे चढ़ते हैं, पुल पे चढ़े हैं कभी, तो स्पीड क्या होता है, कम, बढ़ जाता है, कम हो जाता है। अब पुल से उतरने समय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम किस स्पीड से चल रहे हैं, हमारा चाल इस पर डिपेंड नहीं करता है कि हम किस स्पीड से चल रहे हैं। करता है क्या उस पर डिपेंड? नहीं, हमारा चाल डिपेंड किस पे करता है, रिलेटिव स्पीड पे, मतलब अपेक्षिक चाल पे करता है हमारा चाल डिपेंड। जब जब मेरा स्पीड चल रहा है उसके साथ और कितने, क्योंकि आप तो अपना ताकत लगा ही सकते हैं, बाकी और आपके साथ और कितने लोग आपके ऊपर कितना ताकत लगा रहे हैं उस पर आपका स्पीड डिपेंड करता है ना भाई। ये रियल लाइफ में भी आप हर चीज में ये बात देख सकते हैं कि आप तो अपना स्पीड लगा ही सकते हैं, बाकी और सारे जो भी कॉम्पोनेंट्स हैं, जो भी इस दुनिया का जो शक्ति है जो आप पे किस तरह काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। जब हम पूल पे चढ़ते हैं तो ग्रेविटी हमारे अगेंस्ट काम करता है, लेकिन जब पूल से उतरते हैं तो ग्रेविटी हमारे फेवर में काम करने लगता है, तो हम लोग का स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार कभी भी हम लोग नाव चलाते हैं तो नाव शांत जल में नहीं चलता है, नाव किस में चलता है, धारा में चलता है। शांत जल में नाव कौन सा हो गया, इको पार्क, चिड़ियाखाना, है ना। यहाँ पे धारा नहीं है, वो क्या है, स्टील वाटर है, शांत जल है, मतलब नदी का पोखरा में क्या हो, शांत जल हो गया। और नाव चलता किस में, रियल में नदी में चलता है, ओशन में चलता है, यहाँ पे स्ट्रीम होता है। तो स्ट्रीम दो तरह का होता है, एक जो आपके साथ हो और एक जो आपके अगेंस्ट हो, एक अप स्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या हो गया, साथ में कि अगेंस्ट में, डाउन साथ में कि अगेंस्ट में, क्या साथ में, और अप, अप किस में, बोलिए, अगेंस्ट में। तो जब भी हम डाउन में जाएंगे मतलब धारा के साथ चलेंगे तो हमारा स्पीड ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। जब धारा के अगेंस्ट चलेंगे तो हमारा स्पीड ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक नाव है, क्या है ये, एक नाव है, और ये वाला क्या है, और x क्या हो गया, x स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब शांत जल में नाव की चाल, और y क्या हो गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या रिवर, मतलब क्या, ठीक है। एक्स क्या हो गया, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब धारा क्या है, रुका हुआ, ठीक है। वो मतलब नाव का ही अपना स्पीड हो गया ना। जब हम बोलेंगे कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जैसे कि मान लीजिए ये शांत जल है, तो इस पर हम चल रहे, तो ये स्पीड किसका हो गया, मेरा ना हो गया, हम नाव है, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे चल रहे हैं तो ये स्पीड किसका हो गया, आपका, हमको लेके छत से ठेल दीजिए तो किसका स्पीड होगा, मेरा भी होगा और ग्रेविटी का, ठीक है। या हमको बोल दिए कि छत पे चढ़िए तो मेरा भी होगा और ग्रेविटी का भी होगा, लेकिन शांत में सिर्फ स्पीड किसका होगा, मेरा होगा, क्योंकि जब शांत है तो मतलब और कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, सिर्फ आपकी स्पीड के कारण ही आप चल पा रहे हैं, ठीक है। वही बात यहाँ पे हो गया कि एक्स क्या हो गया, स्पीड ऑफ बोट इन, मतलब जब भी बोट क्या होगा, शांत जल में होगा, तो सिर्फ और सिर्फ किसका स्पीड होगा,
बोट का होगा, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो गया, धारा की, धारा का ये स्पीड हो गया। ठीक है, तो दो स्पीड हो गया, एक क्या हो गया डाउन स्ट्रीम और एक क्या हो गया अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या हो गया कि धारा और नाव दोनों का साथ में, तो स्पीड क्या हो गया एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। और अप स्ट्रीम क्या हो गया कि धारा, धारा और नाव दोनों का क्या अपोजिट, तो ये क्या हो गया डाउन स्ट्रीम। तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई कि वाई माइनस एक्स, कि दोनों हो सकता है, दोनों बिल्कुल नहीं हो सकता है। कि अगर y माइनस एक्स मतलब क्या कि धारा का स्पीड क्या हो गया और नाव का स्पीड क्या हो गया, तो क्या कभी नाव चल पाएगा उसके अगेंस्ट, नाव तभी चल पाएगा जब x अपस्ट्रीम, तभी होगा जब x क्या होगा हमेशा y से ज्यादा होगा, जहां x y से कम हुआ कि नाव धारा अपने साथ बहा के लेके चला जाएगा। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग निक्की कुमारी, जुड़ी हुई है अभी तक? हाँ सर, जैसे कि जब नाव, जब नाव सोचिए ना आप गंगा जी में नाव चला रही हैं, तो अगर आपका स्पीड कितना है एक्स है और वाई धारा का स्पीड है, तो अगर एक्स वाई से क्या होगा कम होगा तो क्या हो जाएगा, नाव धारा साथ में चला जाएगा ना, डाउन स्ट्रीम में कब आप चला पाएंगे, जब धारा से अपना स्पीड क्या रखेंगे ज्यादा, तभी तो आप चल पाएंगे। हो गया, आइए देखिए नेक्स्ट। तो अगर आपसे हम बोले कि स्पीड ऑफ बोट इन, ये क्या हो गया धारा की, धारा की दिशा, और ये क्या हो गया धारा की दिशा, और ये क्या हो गया धारा की विपरीत दिशा। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर पर आवर, मतलब धारा के दिशा में नाव की चाल जब भी लेना होगा तो क्या करें, दोनों की स्पीड को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दिशा में अगर नाव की चाल बोलना होगा तो क्या बोल देंगे x माइनस y किलोमीटर। तो कभी भी अगर आपके सामने क्या दिया हो कि x का x x x क्या हो गया शांत जल में नाव की चाल, y क्या हो गया धारा की चाल, है ना। कभी अगर आपके सामने क्या दे दिया कि x दे दिया y दे दिया, बोल दिया डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, दोनों को प्लस कर दीजिएगा अप स्ट्रीम में माइनस कर दीजिएगा। क्लियर, देख लीजिए ध्यान से एक बार नाव के फ्रेम में, एक बार फील कर लीजिए, एक बार नाव के फ्रेम में फील कर लीजिए। जितने लोग देख रहे हैं ऐप पर वो लोग भी कमेंट कर दीजिए क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी। हो गया, चलिए। तो जैसे अगर आपको हम बोले सवाल में कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम या स्पीड ऑफ बोट इन, छोड़े टाइम क्वेश्चन दिखाएंगे तो
उस पर इस पर भेज देगा ये लोग को भी। हाँ, चला गया। अच्छा मान लीजिए नाव है, क्या है नाव, तो अगर आपको हम बोल देंगे एक्स, एक्स का स्पीड बोल दिए 12 किलोमीटर पर आवर, नाव चल रहा है इधर इतने स्पीड से, और धारा का स्पीड जो है वाई है वो है 4 किलोमीटर पर आवर, तो हम बोल देंगे डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा और अप स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा। बोलिए एक्स कितना हो गया 12 किलोमीटर पर आवर और वाई कितना हो गया 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए अगर नाव अगर चली डाउन स्ट्रीम में दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा सेम, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में चलेगी तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई 12 माइनस 4 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बताइएगा, देखिए आराम से सोच के हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से सोच के बताइएगा कि भाई एक्स 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 स्पीड किसका हो गया, एक हमको भी दे देगा, एक्स एक्स किसका स्पीड हो गया बताओ, नाव का हो गया 12 और डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना हो गया 20, हम आपसे क्या पूछे कि आप स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा बताइए, सोच के हड़बड़ाइएगा नहीं एकदम, सावधानी टेक दुर्घटना घटेगी, कितना होगा कितना 4 कितना होगा, चलिए आप लोग भी कमेंट करिए ऑनलाइन वाले क्या होगा, रितु रितुल राज 4 बहुत बढ़िया वेरी गुड, देखिए ऑनलाइन लोग इतना दूर देख के समझ रहा है, आप लोग हड़बड़ा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम कितना हो गया x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम कितना हो गया x प्लस वाई और डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना हो गया 20 और x का स्पीड कितना हो गया 12, तो y का मान कितना हो जाएगा 8, आपको निकालने के लिए हम क्या बोले अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, तो 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4, है ना, हड़ाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, मैथ का एक रूल क्या है कॉन्सेप्ट नहीं छोड़िए, डाउन स्ट्रीम क्या हो गया x प्लस वाई और किसका स्पीड दिया हुआ है डाउन का कितना दिया हुआ है 20 और x कितना दिया हुआ है 12, तो y का स्पीड कितना हो गया 8, तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4, कितना क्लियर, चलिए तो इस तरह सवाल आएगा तो आपको बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है, आइए तो हम लोग बनाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 तो बताइए, बोलता है कि अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम, अच्छा नहीं 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 एक मिनट हो जाइए, 1 छोड़ दीजिए, अभी 1 छोड़ दीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए, 11 नंबर
कितना होगा जल्दी आप सोच के बताइए। 11 नंबर कितना होगा? वन। क्या बोलता है कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इस हिसाब को पहले समझना पड़ेगा। ये बोला कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब क्या हुआ, किसका स्पीड दिया हुआ है, ये किसका स्पीड दिया हुआ है, एक्स का, किसका मान दिया हुआ है, एक्स का, और ये किसका दिया हुआ है, अपस्ट्रीम का दिया हुआ है। तो अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस वाई, मतलब कि आपका स्पीड कितना है, ठीक है, और नाव का स्पीड कितना है, दो। तो नाव का स्पीड कितना है, अपना स्पीड दो, और वो चल कितना से रहा है, एक। इसका मतलब क्या होगा कि जो रिवर होगा वो कितने चल रहा होगा, वन। तब ना नाव का स्पीड दो और रिवर का स्पीड वन, तो दो में से एक गया तो कितना बच गया, एक। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ओहो आज क्या हो रहा, आज हो क्यों नहीं रहा। ठंडा हाथ तो स्लिप कर रहा है ठंडा में। हाँ बोलिएगा, कितना होगा, थ्री। कैसे भाई, सवाल क्या बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। इफ इट्स डाउन स्ट्रीम भी 13 किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, मतलब किसका मान दिया हुआ यहाँ पे, किसका मान दिया हुआ, एक्स का मान दिया हुआ है, किसका मान है, एक्स का, और डाउन स्ट्रीम कितना हो गया, एक्स प्लस वाई, तो ये पूरा मान कितना दिया हुआ है, 13, और एक्स का मान कितना दिया हुआ है, 10, तो वाई का मान कितना, 3। अगर हम अप स्ट्रीम का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, तो 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3। ऐसे पूछ दिए कि मान लीजिएगा डाउन का पूछ देगा तो हम क्या बोलते हैं, आंसर 7, ठीक है। एक बार बोल दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 भी बोल दीजिए, बोलता है कि द रोइंग स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर, एक आदमी का जो शांत जल में चाल है वो कितना है, 20 है, और डाउन स्ट्रीम में कितना है, 25 है, तो स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा, बोलिए कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, क्योंकि डाउन का स्पीड कितना हो गया, डाउन का स्पीड कितना हो गया, 25, और बोर्ड का स्पीड कितना, 20, तो धारा का स्पीड 5, मतलब आपका अपना स्पीड 20 है और आप जा रहे हैं 25 से, मतलब 5 का कौन दे रहा होगा स्पीड, धारा दे रहा होगा, क्लियर। चलिए वेरी गुड, आइए देखिएगा ध्यान से। अब अगर हम इस वाले को अगर समझे ध्यान से, तो अगर देखिए यहां पे स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम कितना है, एक्स प्लस वाई, और स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम कितना है, एक्स माइनस वाई। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, अगर क्या कर देंगे, प्लस, आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये वाई वाई कट जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट किस में, डाउन स्ट्रीम प्लस कितना, अप स्ट्रीम, अब बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, एक्स, डाउन प्लस अप बाई टू क्या हो जाएगा, एक्स, नोट कर लीजिए। दोनों को जोड़ दिए तो दोनों प्लस हो जाएगा, और एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, और बाई कितना हो जाएगा, 2। तो अगर हमको निकालना हो शांत जल में नाव की चाल, तो हम क्या करेंगे, डाउन में और अप में के स्ट्रीम को जोड़ देंगे स्पीड को, और दो से डिवाइड कर देंगे, और इसी को घटा देंगे, मान लीजिएगा क्या करेंगे, अगर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, डाउन माइनस अप स्ट्रीम बाई क्या, 2।
क्लियर, तो क्या निकल जाएगा, वाई निकल जाएगा। तो आगे बढ़े, जैसे मान लीजिए, तो यहां फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा कि अगर मान लीजिए अगर आपको स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई दो क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स, और एक्स क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट इन व्हाट, स्टिल वाटर। हम दोनों को माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, इन दोनों को, क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई टू बराबर वाई, मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा की चाल, धारा की चाल, और ये क्या हो जाएगा, शांत जल में नाव की है? क्या बोल रही है, इसमें है, आ गए बोलिए, तो x प्लस x कितना होगा, तो दो आएगा ना सर, अरे 2x होगा ना, तो एक तो दो इधर नहीं आएगा, अरे ठीक है ना, तो कभी भी अगर आपको क्या हो, डाउन और अप का अगर स्पीड दिया हो और आपको शांत जल में नाव की चाल अगर पूछ रहा हो, तो प्लस सर के दो से भाग दे देंगे, और धारा के निकालना होगा तो माइनस सर के दो से डिवाइड कर। हो गया, चलिए हो जाएगा तो बोल दीजिएगा। हो गया, चलिए देखिएगा नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर वन बनाइए जल्दी से, कितना आ गया वन का, कितना हो गया। तो ये क्या सवाल बोलता है, कि सवाल बोलता है कि ए मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट द रेट ऑफ कितना, तो अप का स्पीड कितना दे दिया, बोलिए 10, और डाउन का स्पीड कितना 16, तो डाउन का स्पीड कितना हो गया 16 और अप का स्पीड कितना हो गया 10, तो क्या निकालना है, एक्स, शांत जल में नाव की चाल, तो 16 प्लस 10 बाई दो 26 बाई दो कितना 13, फिर क्या निकालना है वाई, 16 माइनस 10 बाई दो 6 बाई दो कितना हो गया 3, इसका मतलब क्या हो गया कि 13 और, क्लियर है, सिंपल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों, जहां सवाल आया तुरंत जोड़ेंगे तो उसे भाग दे देंगे, किसका स्पीड निकल जाएगा एक्स का, तो ध्यान दीजिएगा कब जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे और क्या निकलेगा, ये ना कि किसी को पढ़ के जोड़ दीजिएगा। चलिए आप लोग बना के दिखाइए क्वेश्चन नंबर 15 और 16, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 15 और 16,
15 और 16। सभी लोग ऑनलाइन वाले बताइए 15-16 का आंसर क्या होगा, कितना किसका स्पीड दे रहा है, डाउन में कितना दे रहा है। अच्छा ये किसका स्पीड है, ये आदमी का स्पीड। देखिए आप लोग फिर जोड़ के भाग दे दी क्या दो से, क्या बोल रहा है, मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना दे रहा है 14, और अब कितना दे रहा है 5। क्या पूछ रहा है, मैन का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 14 + 5 = 19/2 कितना 9.5। क्यों भाई, तो क्योंकि कि आपका आदमी का डाउन स्ट्रीम का स्पीड दे रहा है और अप स्ट्रीम का। देखिए आदमी भी हो सकता है, नाव भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, गाय भी, कोई भी हो सकता है, जो तैर रहा है वो हो सकता है। अब यहां देखिए मैन कैन रो, मैन का स्पीड दिया हुआ है कितना 16 डाउन स्ट्रीम का, और आपका कहते 11। क्या निकालना है, स्टील वाटर निकालना है, फिर क्या करेंगे जोड़ के दो से डिवाइड, तो 16 + 11/2 मतलब कितना 13.5। तो पहला बात क्या सीख लिए कि जब भी हम बात करेंगे बोट स्ट्रीम का तो एक एक्स स्पीड किसका होगा बाबू, नाव का, किसमें शांत जल में, और वाई किसका होगा धारा का होगा, ठीक है, और उसका इक्वेशन क्या होगा डाउन स्ट्रीम में x + y, अप स्ट्रीम में क्या होगा x - y, ठीक है। अब जो सवाल देगा ध्यान से देखेंगे क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, ऐसा नहीं कुछ भी दिया हम कुछ भी निकाल देंगे। फिर थर्ड टाइप क्या हो जाएगा कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड दे देगा और अप स्ट्रीम का स्पीड दे देगा, पूछ क्या देगा कि एक्स का स्पीड या वाई का स्पीड, तो एक्स क्या हो जाएगा down + up/2 और वाई क्या हो जाएगा down - up/2। वेरी गुड, नेक्स्ट चलिए अब देखिए अब अगला पैटर्न क्या होगा, अब होगा कि आपसे इक्वेशन का बात करेगा, बोलेगा इक्वेशन ऑफ ए बोट इन डाउन स्ट्रीम। मान लीजिए कोई नाव कहां चल रहा है, कोई नाव कहां चल रहा है डाउन स्ट्रीम में, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जहां पे क्या होगा स्पीड बराबर क्या होगा डिस्टेंस बाय, क्या पढ़ रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मतलब स्पीड इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस बाय टाइम, यहां पे स्पीड क्या हो जाएगा डाउन में, डिस्टेंस क्या होगा डी और टाइम क्या होगा टी। जब भी हम किसका बात करेंगे डाउन स्ट्रीम का तो स्पीड क्या होगा x + y, डिस्टेंस क्या होगा डी और टाइम क्या होगा टी। बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ए बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम क्या हो गया डाउन स्ट्रीम क्या हो गया धारा के दिशा में, और अपस्ट्रीम क्या हो गया धारा के विपरीत दिशा में, तो अगर कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में चलेगी तो स्पीड कितना हो जाएगा x - y, डिस्टेंस क्या रहेगा d और टाइम क्या रहेगा t। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा इस्तेमाल करना है, चार में से कोई तीन टर्म दिया होगा चौथे का मान आपको आपको क्या करना होगा निकालना होगा, क्या बोले कि चार में से कितना टर्म दिया होगा तीन टर्म और चौथे का मान आपको निकालना होगा, और यूनिट्स का आपको क्या रखना होगा ध्यान, ठीक है आ जाइए। टिक मार्क करिए, क्वेश्चन नंबर 12, 18 21, 22 फिर से लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 18 बोला है ना, उसके बाद 21, 22 चलिए जल्दी से बना के दिखाइए सभी लोग।
रितुल राज, विधा कुमारी, निकी कुमारी, आप लोग बनाइए सवाल को। ये कॉन्सेप्ट दिए कि जब भी कोई नाव डाउन स्ट्रीम में चलेगी तो स्पीड क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस डी और टाइम क्या टी, और डाउन और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, स्पीड एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस टी और टाइम क्या हो जाएगा टी। तो चार में कोई तीन टर्म दिया होगा, आपको सवाल बनाना है इसके ऊपर बेस्ट चार सवाल है जो आपको पीडीएफ मिला हुआ है, देख के बनाए जल्दी से, एक साथ बोलिए एक साथ। जो भी आंसर बोलेगा एक साथ बोलेगा। हो गया, नहीं बन रहा है, कौन सा, आइए देखिए बनाते हैं। देखिए पहला सारे टर्म को समझिए, कौन सा टर्म क्या है, ये क्या है डी, ये क्या है टी, और ये क्या है वाई, और स्पीड कैसा है अप स्ट्रीम, क्या है अप स्ट्रीम। तो क्या बोल देंगे, एक्स माइनस 2 किलोमीटर, अब स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, x माइनस वाई, तो x x नहीं दिया हुआ है, y आपको निकाल, y दिया हुआ है तो y 2 हो गया, और डिस्टेंस की यूनिट का ध्यान दीजिएगा, ठीक है 14 किलोमीटर है और टाइम कितना मिनट है, तो ये यूनिट किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, ये किसमें है किलोमीटर में, और ये किसमें हो गया मिनट में, इसमें किसमें कन्वर्ट कर लेंगे आवर में, तो 36 मिनट का आवर में कन्वर्ट करेंगे 56 को, तो कितना हो जाएगा 56/60 हो गया। अब ये कितना बार में कट गया, 4, और ये कितने बार में, 15 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 चला गया ऊपर, देखिएगा बोर्ड, देखिए यही दिक्कत है, आप लोग बता रहे थे आप लोग कहाँ नीचे नीचे है, बोर्ड पे देखिए आपका टाइम खत्म हो गया, ये कहाँ गया 15, तो 15 + 2 कितना हो गया, क्लियर, ऐसे लोग कन्वर्ट किए थे ऐसे, ठीक है।
देख लीजिए एक बार, हटाएं। नेक्स्ट नंबर कौन सा है? देखिए 18 क्या बोलता है कि अ मैन कैन रोज अपस्ट्रीम, अ मैन कैन रो 11 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब और एक्स माइनस वाई हो गया और डिस्टेंस कितना हो गया 11 और टाइम कितना हो गया 5, 26/5, तो ये कितना हो गया 2.2 और ये कितना हो गया 5.2। अब क्या क्या निकालना है हमको, वाई निकालना है, बोली वाई निकालना है ना, तो ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, बोलिए। अब माइनस 2y बराबर माइनस 3, तो y बराबर 1.5 किलोमीटर पर। चले नेक्स्ट, अगला नंबर कौन सा है? 21। वाह, सब एक ही स्लाइड में आ गया, तो बहुत अच्छा रहा। 21 बोलते स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टील वाटर, तो ये किसका स्पीड हो गया x, ये किसका y, ये क्या t, निकालना क्या है d, तो क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर डी वाई टी, तो 15 + 3 कितना हो गया और टाइम कितना, तो d क्या हो जाएगा 18 × 12/5। आज क्लास शांत लग रहा है ना, ये है? कम लोग नहीं है, एक लोग नहीं है है ना, वो अकेले पूरे क्लास को बैलेंस कर लेते हैं। हाँ आप स्ट्रीम बोलिएगा x माइनस वाई बराबर डी वाई टी, आज कम, आज मेरा बहुत कम बच्चा आया था, 7500 बच्चा के लगभग में आया था आज, सब लोग डर गए होगा बहुत लोग। ठीक है, गुना कितना 60, तो 7 और 5 और ये कितना 12 से कितना हो गया 84, 84 क्या, 84 क्या, 84 पक्का, क्योंकि यहाँ पे क्या किए हम, यहाँ पे आवर को किस में कन्वर्ट किए, मिनट में, ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या आंसर होगा, एक घंटा 24 मिनट। क्या डाउट लग रहा है क्या आपको, देखिए कहां पे क्या गलती की होंगी, काटने में गलती की होंगी। हो गया, किसी को कहीं कोई डाउट यहां पे? चलिए ये भी बात सीख ली हम लोग। सिक्स हम टिक लगवा हैं, तो फिर क्यों पूछ रही है अभी, अभी तब से बहुत कुछ नहीं बनेगा, रुक जाइए, सीरीज वाइज चलिए, कॉन्सेप्ट वाइज चलें। नेक्स्ट, पूरा सेट नहीं बनाना है आपको, पूरा सेट मत देखिए, जो टाइप इंपॉर्टेंट है वही कराएंगे बस।
भाई देखिए बोर्ड पे, अब देखिए अब क्या होता है, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में, अभी जो टाइप कराने जा रहे हैं कि मान लीजिए ए से बी है, ये ए है और ये क्या है बी। मान लीजिए कोई नाव है, वो ए से कहाँ गया बी, कहाँ गया ए से बी, और फिर बी से वापस कहाँ आया, कोई नाव ए से कहाँ गया बी और बी से कहाँ आया वापस ए, तो जब वो जाएगा तो डिस्टेंस क्या रहेगा और आएगा तो डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा दोनों केस में। लेकिन अगर वो जाएगा तो किस में जाएगा, तो आएगा तो, जैसे ऐसा नहीं है कि धारा का जो डायरेक्शन बदलते रहता है कि गंगा जी कभी इधर से बह रही थी और कभी इधर से बहने लगे, ऐसा होता है क्या? तो गंगा जी कहां से आ रही है, कहां से गंगो, और कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी। वाह, तो गंगोत्री में कहां से आती है, है ना, तो इधर का फ्लो है ऐसे, मतलब हम लोग जाएंगे तो ऐसे जाएगा, पानी ऐसे बह रहा होगा, देखिए ऐसे पानी बहेगा हमेशा, तो ये क्या डाउन स्ट्रीम और ये क्या हो गया अप स्ट्रीम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया डी, सेम हो गया। और मान लीजिए कि जाने और आने में पूरा टाइम कितना लग गया टी, जाने और आने में पूरा टाइम कितना लग गया टी लग गया, तो अब क्या बोलिएगा, बोलिएगा कि भाई कि अगर वो डाउन स्ट्रीम में गया होगा, बोलिए, तो वो अप स्ट्रीम में क्या किया होगा, लौटा होगा, गया किसमें होगा डाउन, तो लौटा किसमें होगा अप स्ट्रीम, तो टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ अप स्ट्रीम इक्वल टू कितना टी, और टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम होगा डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो फॉर्मूला क्या बन गया डी बाई एक्स प्लस वाई प्लस डी बाई एक्स माइनस वाई बराबर टी। फिर से बस समझ लीजिए आप लोग कि कोई नाव ए से कहां गया, फिर बी से कहां आया ए वापस आया, तो आने और जाने में क्या कांस्टेंट रहा, बोलिएगा क्या कांस्टेंट रहा डिस्टेंस, टाइम कभी कांस्टेंट होगा कभी नहीं होगा, कोई जाएगा अगर डाउन में तो आएगा आप, ठीक है, जैसे पुल पे चढ़ रहे हैं और पुल पे उतर रहे हैं, तो सेम डिस्टेंस मान लिए पुल पे चढ़ रहे हैं, सेम डिस्टेंस पुल पे उतर रहे हैं, टाइम कभी सेम होगा, जाने में स्पीड क्या, चढ़ने में स्पीड टाइम ज्यादा लगेगा, उतरने में स्पीड टाइम कम लगेगा, तो टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ अप स्ट्रीम बराबर कितना हो गया टी हो गया, और डी बाई एक्स प्लस वाई प्लस डी बाई एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया टी हो गया। अब टर्म कितना हो गया यहाँ पे, एक दो तीन और एक चार, चार में से कोई तीन टर्म देगा और चौथे का मान आपसे पूछ देगा, तो टाइम क्या होगा बाबू, टोटल टाइम होगा, ये टाइम कैसा है चलिए शुरू हो जाइए। ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी सिक्स, तेईस से छब्बीस, ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी सिक्स, क्वेश्चन नंबर 23 से 26, क्वेश्चन नंबर 23 से 26,
किसका? क्वेश्चन नंबर 25 का लास्ट ऑप्शन। देखिए 10 नहीं बन रहा है। आइए देखिए, बोर्ड पर देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन मिलता है, बोट ट्रेवल्स अप ए स्ट्रीम फ्रॉम बी टू ए एंड डाउन ए स्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी इन 3 आवर्स। मतलब ए से बी की और बी से ए आया, कितना घंटा? तो टाइम डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम अप ए स्ट्रीम बराबर कितना? 3। ठीक है। अब बोलता है सवाल में कि इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 9 एंड स्पीड ऑफ करेंट इज कितना? 3। तो मतलब टाइम क्या हो जाएगा? डी बाई एक्स प्लस वाई प्लस डी बाई एक्स माइनस वाई बराबर कितना? 3। और एक्स प्लस वाई कितना हो गया? 9 प्लस 3 12। और 9 माइनस 3 कितना हो गया? 6 बराबर कितना? 3 12। 3D बराबर कितना? 3। तो D बराबर कितना? ठीक है, क्योंकि ये वाला स्पीड किसका है? ये वाला स्पीड y का, और ये वाला स्पीड किसका है? x का है। और ये जो टाइम दिया हुआ है ये x का है, और ये किसका है? y का है। और जो टाइम है वो किसका है? t, टोटल टाइम। चले क्लियर है भाई, समझ में आया आप लोगों? मैन कैन रो, तो ये कितना हो गया? x, ये कितना हो गया? y, और टाइम पूरा कितना हो गया? t। तो लोग ये फॉर्मूला क्या पढ़े कि d बाई एक्स प्लस वाई प्लस डी बाई एक्स माइनस वाई बराबर कितना? t। और d कितना हो गया? 6 प्लस 2 8, और 6 माइनस 2 4 बराबर 3। एलसीएम कितना हो गया? 24। और 3D D का मान कितना हो गया? 20। बन गया आराम से। ऑप्शन में नहीं है क्या? अच्छा, रम भावना में भाग है। नहीं बस समझे, ठीक है ना?
हो गया, चलिए नेक्स्ट। बोलते द रेट ऑफ रिवर फ्लो इज 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो किसका किसका स्पीड है ये, वाई, और 6 किलोमीटर मतलब ये क्या हो गया, डी हो गया, और पूरा टाइम कितना बोल दिया, दो, मतलब यहां पे डी दे दिया, वाई दे दिया और टी दे दिया, निकालना क्या है हम लोगों, एक्स। तो हम लोग क्या बोले, हम लोग बोलेंगे डी बाई एक्स प्लस वाई प्लस डी बाई एक्स माइनस वाई बराबर कितना, टी। क्या डी बाई एक्स प्लस वाई प्लस डी बाई एक्स माइनस वाई बराबर कितना, टी। अब डी कितना दिया हुआ है, 6, और एक्स प्लस वाई कितना हो गया, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4, और पूरा टाइम कितना, 2। अब यहां से बात समझिएगा ध्यान से कि भाई 6 बाई एक्स प्लस 4 है और 6 बाई एक्स माइनस 4 है बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब कभी भी भूल के भी गलती से भी इक्वेशन सॉल्व करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि आपके पास x दिया हुआ है ना ऑप्शन में, x ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, वहां सॉल्व कर लीजिए, पुट कर लीजिए। तो मान लीजिए पहला ऑप्शन क्या है अपना, 6, तो अगर 6 रखेंगे तो 6 माइनस 4 कितना हो गया, 2, और 6 बाई 2 कितना हो गया, 3, पहले ही 3 पार हो गया, होगा 6, क्योंकि दोनों का सम की चाहिए, दोनों का सम 2, अकेले 3 लगा दिया खत्म, ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्या है, 8, तो 8 प्लस 4 और 8 माइनस 4, तो 6 बट्टा कितना हो गया, 12, और 6 बट्टा कितना हो गया, 4, ये कितना हो गया, 1/2, और ये कितना हो गया, 3/2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, तो वैल्यू मैच, तो आंसर इज, तो आप मेरे में ही ना अंतर है, अभी हम SSC के फॉर्म में आएंगे तो जितना पढ़ा है ना सारा मुझे जवानी करवा देंगे टोटल, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा दिमाग पे जोर पड़ जाएगा और कुछ जरूरत आपको है नहीं, इसीलिए ज़्यादा हम डीप में जा ही नहीं रहे। ये क्या है, लस्सी के ऊपर मलाई है, लस्सी क्या आपका GS है ना, तो मलाई आता है तो स्वाद बढ़ जाता है, लेकिन मलाई ऐसा नहीं रहेगा तो थोड़ी लस्सी नहीं आएगा, लस्सी तो आ ही जाएगा, तो आपको लस्सी का खास ध्यान रखना है, जब लस्सी जब आपको मिल गया तब मलाई का चिंता करिए, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसमें मन लग जाएगा तो फिर आपको फिर और आप इसी में बनाते रह जाइएगा, इसमें इतना ज़्यादा डीप वेरिएशन है कि फिर आप अच्छा ये कर लेते हैं, करते 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 पूरा आप बह जाइएगा, तो बहना नहीं है, एकदम कंट्रोल करके स्वार्थी बन के जितना काम है उतना निकाल के बस छोड़ देना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको हम पहले ही दिखा दिए हैं कि मैच पूछा है 360 डिग्री ऐसे, ठीक है, जो टाइप एकदम जैसे टाइम एंड वर्क आपको बता दिए, अब सवाल आएगा तो बन जाएगा आपसे, ट्रेन आएगा तो बन जाएगा, वोट स्ट्रीम आएगा तो बन जाएगा, कैलकुलेशन आएगा तो बन जाएगा, ठीक है ना, आगे बढ़े। हाँ अरे वैसे छोड़िए ना, ये 0.5 और ये 1.5, चले लास्ट। बोलता है कि इफ ए स्ट्रीम रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, एक धारा जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तो यहां पे धारा का स्पीड कितना हो गया, वाई, डिस्टेंस कितना हो गया, डी, और टाइम कितना हो गया, 2.5 मतलब कितना, 2.5 घंटा, है ना। तो अब क्या बोल देंगे भाई, हम सीधा बोल देंगे कि डी कितना हो गया, 12, तो 12 बाई एक्स प्लस 2
प्लस 12 बाई एक्स माइनस 2 बराबर 2.5। ठीक है, अब ऑप्शन से लाइए, 15 पुट करेंगे, क्या 15 प्लस 2 क्या 17, कभी काटेगा ही नहीं, कहीं तो यही कहीं खत्म हो गया। 12 पुट करेंगे, 12 प्लस 2 12 बाई 12 1 हो गया, और 12 बाई माइनस 2 कितना हो गया 10, होगा नहीं होगा 10 लेंगे, 10 प्लस 2 10 माइनस 2 8, तो 12 बटा 8, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1.5 कितना हो गया 2.5, सो द करेक्ट आंसर इज 10। ठीक है, ऑनलाइन वाले कुछ बोलिए, कुछ लिखिए, कुछ पूछिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मेरे तो ऐप में ये भी है कि आप लाइव क्लास के समय आप हमसे बात भी कर सकते हैं, जैसे मान ली पढ़ा रहे हैं, कोई डाउट हो गया तो हैंड बटन है, आप पूछ लीजिए, हम पढ़ाते रहेंगे समझाते रहेंगे, जैसे अभी आपने डिस्कस की ना वैसे ही आप कर सकते हैं, इस बोर्ड में सारा गैजेट लगा हुआ है, स्पीकर माइक सब लगा हुआ है, हाँ लाइव, जैसे मान ली लाइव में किसी को दिक्कत हो गया तो बस हैंड बटन करेगा, यहाँ पे आवाज़ आ जाएगा, क्लिक क्लिक उसको रिसीव करेंगे, बस बातचीत शुरू, टू वे कॉन्फ्रेंसिंग, सर ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये कैसे हो गया, सर ये ऐसे हो गया, चलिए हो गया आ? इस वाले ऐप में पता नहीं, ये तो हमको नहीं पता है, नहीं तो वो बोर्ड के लिए नहीं, ऐप में वो होगा तब ना, बोर्ड से थोड़ी होगा, बोर्ड में तो माइक स्पीकर सब दिए हुए, लेकिन ऐप में वो रहेगा तब ना, तो ऐप है आपके पास, अभी लाइव है आपके पास, नहीं चल रहा है क्या, दिखाइए, अच्छा एक आप भी चला रहे हैं, उसमें एक आप भी हैं, दिखाइए जरा है कि नहीं, कैसा ऐप है जरा हम भी देखे हुए, बीपीएससी वाला जो लगता है हम हटा दिए, दूसरे वाले पेन ड्राइव में था, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन है मेरे पास, ये था क्वेश्चन था बीपीएससी 64वीं में, क्वेश्चन है नहीं 64वीं में नहीं 63वीं में मिला, ऑन किया दिखाइए बार, अरे काला फोटो आ रहा है, हाँ एक मिनट रुके ना, नहीं इसमें नहीं है फैसिलिटी, उसमें बोलने वाला नहीं है, कमेंट वाला है, कमेंट नीचे देख, कहाँ कैसे, अच्छा ऐसे बोलने वाला नहीं है, हाँ बाप रे कभी मत करिएगा, सवाल को पढ़ना बोल के आगे बढ़ जाइएगा, वैल्यू पुटिंग कैसे नहीं, क्यों नहीं होगा वैल्यू पुटिंग, छः है, चलिए आपका भी हम एक बार दुख दर्द समझ लेते हैं, हम वैल्यू पुटिंग होगा क्यों नहीं, एकदम होगा, गलत करिए तब नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर कितना 6, तो आप भी बोलिए सर हमको सिखा दीजिए, ये मत बोलिए कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, आप गलत बनाइएगा तब नहीं होगा, वो उस तरह से बनाना मतलब एग्जाम में अपने आपको क्या करना, सुसाइड करना, सुसाइडल बैग ऑफ लीवर किसको बोलते हैं, लाइसेंस ऑफ लीवर, गलत बोल दिया ना, ये जीएस हमको भी आता है, ऐसा बात नहीं है, किधर मतलब 6 नंबर,
और क्या होता है? हम आपको कुछ दिए बताएं? पता नहीं आप लोग काम का है कि नहीं। लो भोगवा, यहाँ हम लोग अपने से याद किए थे अपने टाइम में, अभी तक याद है। लो भोगवा, लोथल भोगवा नदी के किनारे, फिर से याद किए थे। पानी लो बाबर, पानी लो बाबर, है? बाबर का नहीं, पानीपत का ही। इब्राहिम लोदी और बाबर के, और याद किए थे ऐसे। बाबर का ये कभी दिमाग से निकलता ही नहीं, अफगानी घाघरा। बाबर का अफगानी घाघरा, अब घाघरा का युद्ध बाबर और सही सही है ना? जैसे बहुत सारे याद किए, सब याद किए थे हमको, पूरा लूसेंट याद था अपने साइड। चलिए इनेस्ट, अच्छा बताइए तो आप लोग बता दिए, हम तो बच्चा आप लोगों के सामने ये सब चीज़ बोली। तो राज्यपाल जो है कितना एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता है? मेरा सवाल है भाई, करता है या करता था बता दीजिए, कितना? एक। अच्छा एक रुपया का नोट कौन छापता है? वो छापता है, कंफर्म करिए। एक रुपया का नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तो आप लोग उड़ जाया होगा ना। इन स्ट्रीम रनिंग एट, बताइए अभी जो कोविड का जो टेस्ट हो रहा है, जैसे पैशन होता है, पैशन प्रो होता है, स्प्लेंडर होता है, स्प्लेंडर प्लस होता है, उसे क्या था? डेल्टा, डेल्टा प्लस। उसके सबसे पहला वेरिएंट का नाम क्या था? अरे बाप रे, आप लोगों को नहीं पता है? सबसे फर्स्ट वेरिएंट का नाम क्या था कोरोना का? हमको भी नहीं पता, आप लोग कंफर्म कर लीजिए। नोबेल कुछ नहीं होगा, नोबेल कोरोना वायरस ऐसे बोलिए, कर दे कुछ था। वो सब हमको नहीं पता है, हम अब हमको बुझाइए नहीं। मेरा एक लाइन में क्वेश्चन है, अभी चल रहा है ओमिक्रॉन, पहला का नाम क्या था? दैट्स इट। देखिए उलझाए उलझा दीजिए हमी को आप लोग। हम बोले पहला का नाम क्या था, हमको इससे मतलब है। जो पहला नॉन वेरिएंट, तो पहला तो कोई तो नॉन वेरिएंट होगा, ये सब एक के साथ आ गया होगा, कोई तो एक पहला आया होगा। पहला का नाम क्या था हमको भी नहीं पता, ऐसा नहीं हमको पता है, हमको पता ही नहीं था, ऑप्शन कहाँ दे देंगे। अब आप लोग देख लीजिएगा, मतलब ऐसे बोल रहे, हम ऐसे बोल रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग, जरूरी है सब। जैसे मान लीजिए अगर आप सब बोल दे कि ये बताइए कि कैसे मालूम चलेगा किस वेरिएंट का ये कोविड है, कैसे मालूम चलता है? आप लोग खाली कहानी सुना रहे हैं, हम आपसे एक लाइन में पूछ रहे हैं कैसे मालूम चलता है कि ये किस वेरिएंट का कोविड है, डेल्टा है कि डेल्टा प्लस है, कि पैशन है, कि पैशन प्रो है, कि स्प्लेंडर है, कि ओमिक्रॉन है। आप लोगों को ये सब भी नहीं पता है, आप बोलते हैं मुझे एक सीट चाहिए, कहाँ एक सीट वाली नहीं आई क्या? आई है, आप थी। अरे कैसे मालूम चलता है कि किस टेस्ट मालूम चलता है कि ये, आप लोग अखबार में नहीं पढ़ते हैं आप लोग?
जीनोम सीक्वेंसिंग। अरे आप लोगों को नहीं पता है, नहीं तो इसको जीनोम सीक्वेंसिंग वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमको नहीं पता है, एग्जाम में जीनोम सीक्वेंसिंग आएगा, हर जगह यही टर्म यूज किया जा रहा है, जीनोम सीक्वेंसिंग। यही तो टेस्ट होता है, इसका नाम चलता है कि किस वेरिएंट का कोविड है। इसका आप लोग प्राइस जानते हैं कितना होता है, इसका प्राइस कराने का नहीं जानते हैं? कोई नहीं जानता, आप लोग कोई तो जानता होगा, 4500 रुपया। आप कराइए क्या घर में कराए हैं जीनोम सीक्वेंसिंग? कौन करा लिया भाई, कौन बोल कौन रहा है, तुम मास्क समझ नहीं, बोल कौन रहा है? जीनोम सीक्वेंसिंग आप करवाई थी? भैया इससे आप लोग बात मत करिए, मतलब क्या है? तो आपको थोड़ी कराना है, सरकार करा रही है कि आप कराएंगे? आपको क्या मतलब है, कोविड है कोई भी, हमको से क्या मतलब है? सरकार करा रही है तभी तो बिहार में भी ओमिक्रॉन नहीं है। एक 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 हुआ भी तो रिजल्ट आने के पहले वो ठीक हो गया, 15-20 दिन में तो उसका रिपोर्ट आता है इसका। हाँ 15-20 दिन में रिपोर्ट आता है, और आज से IGMS में शुरू हो रहा है। 15 लाख रुपया एक जीनोम सीक्वेंसिंग का लगता है, बहुत कॉस्टली है ये। तभी तो इंडिया में आखिर ये जो वेरिएंट बढ़ रहा है इतना, वो तो ओमिक्रॉन का ही ना बढ़ रहा है। लेकिन टेस्ट आदमी नहीं ना करवा रहा, सरकार ही ना करवाएगी इतना, बात समझे आप लोग? तो इस चीज को जानी है। अरे बाबा रे, करंट अफेयर्स क्या कर रहे हैं आप लोग? चलिए तो ये आपका सवाल था, यही था ना? तो इन ए स्ट्रीम रनिंग एट 2 km/h ए मोटर बोट गोज 10 km अप स्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 55 मिनट्स। एक स्ट्रीम का स्पीड कितना है? 2 km/h। एक बोट क्या कर रहा है? 10 km जा रहा है और फिर वापस आ रहा है। पूरा कितना लग रहा है? 55 मिनट लग रहा है। तो 10/2 कितना हो जाएगा? x x+2, 10/x+2 प्लस 10/x-2। देखिए ये 55 है तो ये किस में मिनट आवर में कन्वर्ट करिए, 60। 11/12। अब बोधी x का मान क्या पुट कर दे? आप बोलिए 11/12 कैसे आएगा? किससे? 5 से मतलब? क्या बोला लोगों को समझ में नहीं आया क्या बोला? नहीं नहीं हम बोले 12 है, 11/12 एक्स का मान क्या पुट करेंगे तो आएगा, ये पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला क्या है? तो 10/20 + 10/10/16 तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 और 5/8 तो 8 × 2 = 16 नहीं ना होगा। आगे दूसरा ऑप्शन बोलिए, 10/24 और 10/20 तो कितना हो गया? 5/12 और 1/2 ये भी नहीं होगा, होगा तो 5 और 6 कितना हो गया? 11/12 है ना, सेकंड ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन लगाइए तब ना लगेगा।
नहीं समझे, पुट करते रहिए। कहाँ बहुत टाइम लग रहा है, अरे बाबरे टाइम कहाँ ज़्यादा लग रहा है, वो तो पहले ही आप देख के समझ गए फर्स्ट वाला नहीं होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या लिए थे हम, 18 लेंगे तो 18 प्लस 2 20 होगा, 18 माइनस 2 16 हो जाएगा, तो 16 8 है हम 12 चाहिए तो होगा ही नहीं। बाकी सॉल्व करिए, सॉल्व करिएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक में आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते, ऑप्शन से ही बनाइएगा, जब भी बनाइएगा तो, नहीं तो मत बनाइएगा, छोड़ दीजिएगा। नहीं नहीं और दिक्कत होगा, कम से कम ऐसे तो आप सिर्फ बेस देख के पकड़ सकते हैं ना, पॉइंट पे करिए तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, अब पॉइंट पे तो एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं आएगा ना, डेसिमल में रहेगा। देखिए एक सवाल दिया हुआ है, बीपीएससी का पूछा हुआ है, बीपीएससी 63वीं का है, बीपीएससी 63वीं बोलता है, बाप रे 2 बजने वाला है, एक व्यक्ति लिखिएगा, एक व्यक्ति स्थिर पानी में, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा से नौकायान कर सकता है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा से नौकायान कर सकता है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नौकायान कर सकता है, यदि यदि 1.5 किलोमीटर यदि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यदि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती हुई नदी में किसी स्थान पर पहुंचने और वापस आने के लिए किसी स्थान पर पहुंचने और वापस आने के लिए उसे 50 मिनट लगते हैं, अगर है क्वेश्चन है तो निकाल लीजिए आप लोग, ये बोला 50 मिनट लगते हैं पहुंचने और वापस आने में 50 मिनट लगते हैं, तो उस स्थान की दूरी कितनी है, उस स्थान की दूरी कितनी है? देखिएगा हो गया कितना 3 आ गया आप लोग का, एक्स का स्पीड कितना दिया, एक्स का 7.5, वाई का और पूरा टाइम कितना दे दिया, मतलब 5/6 आवर, और डी निकालना था, डी बाई क्या बोल देंगे, एक्स प्लस वाई तो कितना हो गया 9, और डी बाई एक्स माइनस वाई कितना हो गया 6, बराबर कितना 5/6, तो कितना हो जाएगा 18 और 3D 5D, चलिए ठीक है 5D, तो ये 3 कट गया और ये कितना हो गया कट गया, डी बराबर कितना, ठीक है समझ में आया अच्छे से, तो ज़्यादा इसके ऊपर मत जाइएगा, इस वीक में आप लोग कंप्लीट करा लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़िएगा इस वीक में, जो मेन टॉपिक है पढ़ा देंगे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, कल परसेंटेज शुरू कर देंगे, ठीक है। हम तो मात्र बोला गया था 4 से 5 क्लास, कितना क्लास हो चुका है, 3 ही क्लास हुआ, अभी 7वां क्लास आ जाए, 7वां, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा इसमें घुसिएगा नहीं, ठीक है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का जीएस भी पूरा कंप्लीट नहीं है, हम देख लिए, थोड़ा एफर्ट लगाइए करंट अफेयर्स में, एफर्ट लगाइए अच्छे से, जानिएगा तब ना बोलिएगा लिखिएगा, है ना, खाली EGMR देयर फोर से थोड़ा ही कंटेंट बढ़ता है, आपके लिखावट में और आपके बोली में शब्द कम और फैक्ट ज्यादा होना चाहिए, तब आपको बोलने में मजा आएगा और लिखने में मजा आएगा, आपको बोलना भी है लिखना भी दोनों काम करना है ना। चलिए फिर ओके।